पर अब जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या आप मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी विषय पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो राज्य के कारोबार को ले जाने नहीं देंगे। और सर इसी से जुड़े जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया को लेकर भी बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है, जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना, और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहाँ पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए ना बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दृष्टि से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से, हम सब का उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है, उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, और उसी इकोनॉमी की दिशा से निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज को ध्यान में रख करके ही कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लैंड बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नीयत भी साफ हो, ये भी बहुत इस पर निर्भर करता है, क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, और इसलिए मैं आया था, तो मैंने कहा म्यूनिसिपल बॉन्ड के बहाने सभी कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी, मैं दिनेश मौर्य। अरे एक मिनट, ऐसे सब बोलेंगे तो कुछ सुना ही नहीं देगा। चलेंगे सर, एक सवाल यहाँ से। योगी जी, मैं दिनेश मौर्य बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। कहाँ से बोल रहे हैं? योगी जी, दो सवाल है। संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है, इस बारे में जरूर विचार करें, और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे ही कोई इसे छीन कर नहीं ले जा सकता। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को, और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी, और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे, उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की आबादी आप जान रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी आप जान रहे हैं कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, और 24 करोड़ की आबादी को हर प्रकार से निवेश, जॉब क्रिएशन के लिए और रोजगार के लिए भी इसीलिए सब किए जा रहे हैं।
ये सभी प्रयास उसमें किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति मनरेगा में ही काम नहीं करता है, उसके पास अपनी विशेषज्ञता होती है, अपनी रुचि होती है, अपने कार्यक्रम होते हैं। और उत्तर प्रदेश, याद रखना, कोरोना कालखंड के अंदर सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक जॉब क्रिएटर स्टेट भी है। 1,25,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ इस दौरान जॉब दी है और इसको हम लोगों ने किया है, इसलिए उन कार्यक्रमों को लेकर के हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर सर, दो सवाल। सबसे पहला सवाल ये है सर, आप आज काफी इंडस्ट्रियलिस्ट से यहाँ पे मीटिंग भी की आपने, एक आप हमें बता सकते हैं कौन से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपसे कमिट किया गया है, कौन से सेक्टर्स है? और दूसरा सवाल सर, आप फिल्म सिटी यूपी में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, किस तरीके का इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा ताकि वहां पे पब्लिक डोमेन में सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रदेश के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं। उन पॉलिसीज के अंतर्गत हर निवेशक आकर के वहाँ पे निवेश कर सकता है और निवेश कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने, जिन निवेशकों ने प्रदेश के अंदर पहले से निवेश किया है, उन सभी निवेशकों के साथ मेरा एक तो यहाँ पे संवाद था, दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो लोग वहाँ पे निवेश कर रहे हैं या निवेश करने के इच्छुक हैं, जिसमें अडानी डिफेंस है, L&T डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है, हिंदुजा है, सीमेंस है, इन सभी अन्य जो इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स थे, इन सभी लोगों के साथ भी हमारी यहाँ पे बैठक थी और उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो सुझाव थे, उन पर भी चर्चाएं आगे बढ़ी। फिल्म सिटी के लिए भी क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों की आज की ज़रूरतें क्या हैं, इन ज़रूरतों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आगे बढ़ रही हैं और हमारे लिए देश के अंदर सबसे अधिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 700 के आसपास हमारे पास अर्बन बॉडीज हैं, लगभग 8 करोड़ की आबादी हमारी अर्बन बॉडीज में निवास करती है। उनकी बेहतर सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रयास शासन स्तर पर होने चाहिए, उसमें उत्तर भारत का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ बना है, जिसने बॉन्ड जारी किए हैं। तो ये एक साथ ये प्रक्रिया, क्योंकि लखनऊ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद फिर हम अन्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे न केवल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्य पद्धति में शुचिता और पारदर्शिता दिखे, बल्कि वित्तीय अनुशासन का एक भाव भी हर कॉरपोरेशन के अंदर पैदा हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके। ये इसके पीछे की मंशा है और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के दिशा में कि हम बेहतर सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। धन्यवाद जी। थैंक यू।